दोस्तों इस मोबाइल को अनलॉक करने के लिए सिंपल सिस्टम तो हमें सबसे पहले नेक्स्ट कर लेना है, उसके बाद में राइट टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। जैसे अभी नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे स्किप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और वाईफाई जो है कनेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं वाईफाई का पासवर्ड टाइप करके वाईफाई जो है कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करने के बाद में सिंपल इसमें नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे ग्रीटिंग है, फोन रेडी से इंटरव्यू शो हो रहा है, जस्ट ए सेकंड चेकिंग फोन। यहाँ देख पा रहे पैटर्न मांग रहा है और ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी मांगेगा क्योंकि इस मोबाइल में जो है FRP लॉक लगा हुआ है। ये देख पा रहे वेरीफाई अकाउंट। अब ये FRP लॉक हम बाईपास करेंगे, तो बाईपास करने के लिए आपको कम्प्लीटली बैक आ जाना है। तो लेकिन उससे पहले आपको जो वॉल्यूम के अप एंड डाउन की है, इन दोनों को हमें 5 सेकंड के लिए दबाना है ताकि टॉल बैक जो है ऑन हो जाए। तो जैसे टॉल बैक ऑन हो जाता है फिर हमें सेटिंग तक पहुंचने में हेल्प मिलेगा। तो 5 सेकंड दबा देते हैं, दबाने के बाद में डिस्प्ले में जो है इस तरह से इंटरफेस शो होगा, उल्टा L टैप करना है आपको डिस्प्ले में और फिर इसमें क्लिक करना है। जैसे आप अलाउड पर क्लिक करते हो तो इस यूज़ कमांड पर क्लिक करना है और डबल टैप करते जाना है, 2 फिंगर से वर्क करेगा। अब गूगल असिस्टेंट मुँह से बोलना है, जैसे बोलते हो ट्रायंगल सिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे मुँह से सेटिंग बोलना है, तो सेटिंग जैसे आप बोलते हो तो ये सेटिंग ऑप्शन दिखाई देगा। थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे ओपन सेटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ओपन सेटिंग में क्लिक करेंगे तो सेटिंग के अंदर पहुँच जाएंगे। अब वॉल्यूम अप एंड डाउन की को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो टॉल बैक जो है डिसेबल हो जाएगा। अब जैसे टॉल बैक डिसेबल हो जाता है, डिसेबल होने के बाद में अब यहाँ पे हम जो है एक स्टेप्स फॉलो करते हैं अनलॉक करने के लिए। स्क्रॉल डाउन करते जाना है, ऐप्स में क्लिक कर रहे लेकिन वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद में इस अकाउंट में जाते हैं और यहाँ से रीसेट भी नहीं हो पा रहा, इस ये भी वर्क नहीं कर रहा। मैनेज अकाउंट इसमें जाते हैं, यहाँ पे इस और ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ जाने के बाद में इस ये सैमसंग स्टोर ओपन हो चुका है। अब यहाँ से जो है हमें एक ऐप डाउनलोड करना है, पहले एक्टिविटी लॉन्चर मतलब ऐप लॉन्चर सॉरी। तो ऐप लॉन्चर हम इसलिए डाउनलोड कर पाए ताकि हम इजीली जो है वर्क कर पाए। अब यहाँ पे सैमसंग का आईडी मांग रहा है तो साइन इन कर लेना अपना सैमसंग आईडी से। अगर नहीं है तो आप इजीली यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो सैमसंग आईडी कैसे बनाते हैं। सैमसंग आईडी बनाने के बाद में राइट टिक कर देना है और अप्लाई कर देना है। यहाँ पे जो है हमें इसमें इस तरह से इंटरव्यू होगा तो यहाँ पे एक बार जो है इसमें क्लिक करना है। अब जो देखोगे ये ऐप जो है इंस्टॉल होने लगेगा। अभी जैसे ऐप इंस्टॉल कंप्लीट हो जाता है इसको हमें ओपन करना है। इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको ओपन करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमें यहाँ से जो है सेटिंग करने जाएंगे, फिर उसके बाद में ऐप तो वर्क नहीं कर रहा तो यहाँ से इसमें जाते हैं लॉक स्क्रीन पे, तो यहाँ पे इस पे जाते हैं स्क्रीन शॉट में, ये भी जो है मेथड वर्क नहीं कर रहा। अब क्रोम में जाते हैं, एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं, नो थैंक्स पे क्लिक करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे जो है हमें सर्च करना है अकाउंट APK, टू अकाउंट APK। यहाँ पे ये देख पा रहे हो ये वाला जो साइड है इसके अंदर जाना है। जाने के बाद में इसको डाउनलोड कर लेना है। अभी डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन करना है। डाउनलोड हो रहा है अभी भी, थोड़ा सा वेट करते हैं। अब जैसे डाउनलोड आता है इसको हम ओपन करेंगे।
तो ये देख पा रहे हो ओपन सेटिंग अंदर जा रहा है, तो ये जो है डाउनलोड इंस्टॉल नहीं हुआ। हम वापस जाते हैं, इसमें ये इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, तो अब इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कराने के लिए हमें बैक आना है, अब सेटिंग इस फाइल मैनेजर में जाना है और इसमें जाना है। यहाँ से हम देखते हैं डाउनलोड इंस्टॉल होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ से भी जो है इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ से इसको डाउन करेंगे, और इसको डाउनलोड में इसमें ऐप में तो वर्क कर ही नहीं रहा, तो यहाँ से अकाउंट में जाते हैं और उसके बाद में नहीं बायोमेट्रिक में जाते हैं। ये इंस्टॉल अनकुनो ये भी मेथड वर्क नहीं कर रहा, तो इसमें जाते हैं। यहाँ जाने के बाद में इसमें जाते हैं, बैक आते हैं, ऐप में जाते हैं। अब ये ओपन हो चुका है, अब यहाँ से जो है गूगल क्रोम वर्क नहीं कर रहा। यहाँ इसमें क्लिक करते हैं, इसमें जाते हैं। यहाँ जाने के बाद में इंस्टॉल में अदर में जाते हैं और यहाँ से गूगल क्रोम को जो है अलाउ कर देते हैं। फिर बैक आते हैं और यहाँ से जो है फाइल मैनेजर इसको भी अलाउड कर देते हैं। फिर बैक आते हैं, अब यहाँ से जो है हम फाइल मैनेजर में जाएंगे और उस ऐप को दोबारा इंस्टॉल करेंगे। अब देखते हैं इंस्टॉल होता है कि नहीं होता है। तो अभी ये ऐप जो है इंस्टॉल हो रहा है, ओके इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इसमें क्लिक करते हैं, अब यहाँ से उस ऐप को ओपन करते हैं, इस पर राइट टिक करते हैं, एग्री, अब यहाँ से अलाउ कर देते हैं। जीमेल का ऑप्शन है, जीमेल में जाते हैं, ये एडिट हो चुका है, थोड़ा सा इसमें टाइम लेगा। इस तरह से इंटरफेस शो होगा जीमेल अकाउंट का। अब यहाँ से गूगल इसमें जाते हैं और यहाँ से जो है इसमें जाते हैं, अब यहाँ से गूगल का ऑप्शन दिखा दे रहा है, गूगल में जाते हैं। अब ये साइन इन हो रहा है तो चेकिंग इंफॉर्मेशन आ रहा है, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, ईमेल आईडी टाइप करने के लिए कह रहा है, न्यू अकाउंट बनाने के लिए, तो हमें कोई भी एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद में देखते क्या होता है। गूगल सर्विस देख पा रहे हो ऑटोमेटिक आ चुका है, जैसे ही न्यू अकाउंट हमने क्रिएट किया। अब हमें नेक्स्ट करते हैं, अकाउंट एडिट हो चुका है, तो अब जैसे आते हैं बैक आते हैं। अब जो है टॉल बैक को जो है हम ऑन करते हैं दोबारा, वॉल्यूम के अप एंड डाउन की से ऑन करने के बाद में डिस्प्ले में एल बनाते हैं, इसमें यूज़ कमांड में जाते हैं और यूज़ कमांड में ये आ चुका है यूज़ कमांड। अब यहाँ पे मेन स्क्रीन टैब बोलते हैं मुँह से, जैसे हम मेन स्क्रीन बोलेंगे तो ये मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। अब जो है हमें टॉल बैक ऑफ कर देना है, टॉल बैक को वही सेम वॉल्यूम का अप एंड डाउन किससे बंद हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट करना है, फिर राइट टिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करने कह रहा है, तो पहले वाईफाई जो है इसको फॉरगेट कर देते हैं। अब यहाँ से जो है हमें स्किप पे क्लिक करना है, यहाँ से इसमें क्लिक करना है,
अभी गूगल सर्विस आ चुका है, अभी हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, स्किप नेक्स्ट। अभी देख पा रहे हो हमारा मोबाइल जो है अनलॉक हो चुका है। ये देख पा रहे हो होम पेज आ चुका है।